सभी आदरणीय संतों और मेरा सादर प्रणाम। मैं आपके सामने उपस्थित कर रहा ज्ञान का न समझकर एक अंतरात्मा की आवाज समझकर सुने एक प्रश्न उठता है कि हम भगवान के सेवक हैं या भगवान हमारे सेवक हैं। एक ऐसा चिरंतन प्रश्न है, हर भक्त के मन में ये आता है कि वो भगवान की स्तुति कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है। एक आश्चर्यजनक चीज बताता हूं कि ईश्वर भगवान भी यही सोचते हैं कि भक्त उसके भगवान है। जैसे कि प्रभु भगवान राम की आराधना करते हैं, राम भी भगवान महादेव की आराधना करते हैं, इसलिए अपना जो परम धाम है उसका नाम है रामेश्वर। राम के ईश्वर रामेश्वर जो है वो है भगवान भोलेनाथ, और भोलेनाथ के जो परम पूज्य हैं वो है राम। इसका एक उदाहरण आपको देता हूं, सबको विदित है, कोई नई बात नहीं है। जब माता सीता का हरण हुआ उस समय भगवान नारायण मानव रूप में थे, ये सब हमको मालूम है, विदित है। भगवान राम के साथ उनके भ्राता लक्ष्मण जो शेषनाग के अवतार थे, दोनों जंगलों में घूम रहे थे और माता सीता को खोज रहे थे, कहाँ है सीते, और दुख से विलाप भी कर रहे थे लक्ष्मण पीछे पीछे और भगवान राम आगे आगे। उसी समय संयोगवश माता भगवती और भगवान भोलेनाथ वहीं पे थे, राम को देखा तो दूर से उनको साष्टांग प्रणाम किया। जब उनको प्रणाम किया तो सती जो कि पार्वती जी का पहला जन्म में पहले जन्म में वो सती थी, बाद में उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लिया। माता के मन में संशय हो गया, वो बोली एक साधारण तपस्वी जो कि पत्नी के विरोह में जंगल जंगल भटक रहा है और पूछ रहा है कि कहाँ है मेरी प्रभु। महादेव ने उनको प्रणाम किया, वो भी साष्टांग प्रणाम किया, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। तो माता सती के मन में संशय हुआ। अब वो संशय का निवारण कैसे हो, तो संशय का निवारण उन्होंने ये कहा कि कुछ समय पश्चात वो सीता का रूप धारण कर करके भगवान राम के सामने आ गए। अगर ये मानव है तो मेरे को सीता समझेंगे, और अगर ये कोई अदृश्य शक्ति है तो फिर पहचान लेंगे। भगवान राम ने उनको पहचान लिया और प्रणाम किया, माता महादेव कहाँ है, आप अकेली विचरण कर रही हैं। सती मां से कहने का तात्पर्य यह है कि महादेव की उपासना भोलेनाथ की उपासना राम करते हैं और राम की उपासना भोलेनाथ करते हैं। अगर आप शिव मंदिर में जाकर सीताराम का जप करते हैं तो महादेव, और सीताराम के मंदिर में अगर भोलेनाथ और माँ पार्वती का अगर जप करते हैं या मनन करते हैं तो रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न होते हैं। तो वही प्रसंग फिर आता है कि भक्त भगवान हुआ चाकर है या भगवान भक्त के चाकर हैं, नौकर हैं। मालिक हो प्रभु आप, मेरे तो स्वामी हो आप, मेरे तो सब कुछ हो आप। उसी तरह नारायण को भी भक्त बहुत प्यारे हैं, नारायण भोलेनाथ जितने भक्त हैं सब बड़े प्यारे लगते हैं। प्रभु तो बोलते हैं मैं तो भक्तों का चाकर हूं। अब इसका एक साधारण सा उदाहरण हम देखते हैं, दुर्योधन के शरीर में मालिश करने के लिए एक जिसको कि हम बारीक बोलते हैं बार बार बोलते हैं,
दुर्योधन मल्ल योद्धा था, गदा योद्धा, उसकी मालिश होती थी। सुबह सुबह ये बंधु जाके, नाई बंधु जाके उनकी मालिश करते थे, और उसके बाद दुर्योधन थोड़ा मल्ल युद्ध भी करते थे। ये जो थे जो दुर्योधन की मालिश करते थे, ये भगवान नारायण के बहुत बड़े भक्त थे, भगवान कृष्ण के भी बहुत बड़े भक्त थे। तो ये भोर में प्रातःकाल उठ जा कर लेते थे, नारायण की स्तुति, नारायण का ये नाम, भगवान का नाम। एक समय ऐसा होता है कि वो भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं कि उनको समय का ज्ञान नहीं होता। जब सूर्य उदय हो जाता है तो घबरा क्या, भक्ति से बाहर जब निकलते हैं तो अपनी पत्नी को बोलते हैं, अरे आज तो दुर्योधन मुझे छोड़ेगा नहीं, दुर्योधन मुझे बहुत बड़ी सजा देगा शायद। बड़े दुखी मन से वो दुर्योधन के पास जाते हैं। दुर्योधन देख के बोलता, अरे तुम दोबारा कैसे आ गए, दूसरी बार कैसे आ गए। ये चुप रहता है, बोला आज तो तुम भोर भोर में आए और मेरी इतनी, और मैंने तो तुमको अभी इनाम देना है, मैं तो तुमको 5 गांव का जमींदारी देने जा रहा हूँ। अरे तुम तो भाई बड़े कमाल के मालिश करने वाले हो, अब भक्त को समझते देरी नहीं लगी कि मेरे ईश्वर लिए ये दुष्ट की सेवा करने पहुँच गए। रोते रोते घर गए और विलाप करने लगे, हे मेरे नारायण, आपको मैंने कितना कष्ट दिया। अब उधर देखिए, बैकुंठ में माता लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु कहाँ से हुए चले। भक्त की पुकार हुई, भक्त की सेवा करने गया था। होता क्या है, जब विलंब हो रहा था तो भगवान ने सोचा, अरे वो दुष्ट दुर्योधन तो मेरे भक्त को मृत्यु दंड दे देगा। भक्त को मृत्यु दंड से बचाने के लिए प्रभु खुद नाई का रूप धारण करके दुर्योधन जैसे मालिश करके आए थे। तो ये है भगवान की भक्ति। भगवान इतने दयालु हैं कि वो तो अपने को भक्त का चाकर के बस में, भक्त वत्सल भगवान। भगवान तो भक्तों को इतना ज्यादा स्नेह करते हैं, हम जैसे उनको बोलते हैं कि मेरे मालिक। आदरणीय भक्तों, सज्जनों, न मैं कोई कथावाचक हूँ, न मैं कोई ज्ञानी हूँ। मेरे अंतरात्मा और मेरा जो अनुभव है उसके अनुसार मैंने अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत किए। चीज कहता हूँ कि जगत के स्वामी बड़े दयालु होते हैं, दयालु हैं। हम जितना उनसे स्नेह करते हैं उससे कई गुना ज्यादा स्नेह वो हमसे करते हैं। हमारे लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, बस अगर हम एक हाथ एक पैर बढ़ाते हैं तो प्रभु हमारा एक कदम, प्रभु के 10 कदम, तब भक्त और भगवान का मिलन होता है। और जब भक्त और भगवान का मिलन होता है, वो क्षण ब्रह्मांड का सर्वदाई क्षण होता है। उस क्षण का वर्णन करना संभव नहीं है। एक बार आप सभी बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार। मैंने पहले भी कहा कि मैं केवल एक साधारण सा मानव के सामने